तक आती है। इसके बाद मैं जनाब सदर अवधर्मन फाउंडेशन जिला मेंबर डॉक्टर अपने नमान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्याल का इजहार करें। डॉक्टर अपने नमान साहब उम्मीदवार असेंबली हल्का एल सेवन स्टेज पे बैठे दो मां हाल में बैठे मुअज्जिने शहर, मैं सबसे पहले आज की इस तकरीब के मेजबान अमीर शहर जनाब खालिद महमूद जीशान मुजाहिद और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि 24 घंटे के नोटिस पे उन्होंने इतने लोगों को इकट्ठा किया। सारी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मैं हैसियत सोशल वर्कर अल हिकमत फाउंडेशन का जिम्मेदार होने की हैसियत से आपके सामने जमात इस्लामी और अल हिकमत फाउंडेशन जो सोशल वर्क करती है उसका एक चंद चीजें आपके सामने रखूंगा। 8 अक्टूबर 2005 को जलजला आया आजाद कश्मीर में तो अल हिकमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी के रजाकारान सबसे पहले लोग थे जो वहां पे पहुंचे। मीरपुर के अंदर जलजला आया तो फिर भी वहां पे जमात और अल हिकमत फाउंडेशन के रजाकारान पहुंचे। आप देखते होंगे कि ईद का मौका आता है तो जमात इस्लामी और अल हिकमत फाउंडेशन ईद पैकेज लोगों को तकसीम करती है। रमजान और मुबारक के अंदर लोगों में फूड पैकेज तकसीम किए जाते हैं। ईद उल फितर का मौका आए तो अल हिकमत फाउंडेशन लोगों में कुर्बानी प्रोजेक्ट करती है। सर्दियां आए तो विंटर पैकेज किए जाते हैं। कोई मजदूर नजर आए तो उसे व्हील चेयर दी जाती है। किसी बेवा की बेटी की शादी हो तो उसकी माली मावरत की जाती है। कोई स्टूडेंट मुस्तहिक हो उसकी मदद की जाती है। ये सारे काम अल हिकमत फाउंडेशन पिछले कई सालों से करती आ रही है। आपके इलम में होगा कि अल हिकमत फाउंडेशन के तहत 200 आर्फन बच्चे हर साल अल हिकमत फाउंडेशन उनको स्पॉन्सर करती है और कम से कम 1 करोड़ रुपए जिला मेंबर के अंदर अल हिकमत फाउंडेशन खर्च कर रही है। कोरोना रिलीफ जब कोरोना शुरू हुआ तो हमारी अमूमी एक रवैया ये था कि लोग अपने घरों के अंदर दुबक गए, छुप गए, डर था, खौफ था। तो यही जमात इस्लामी और अल हिकमत फाउंडेशन के रजाकार थे कि जिन्होंने जिला मेंबर के यहाँ पे किसी भी और चीज की जरूरत थी तो अल हिकमत फाउंडेशन ने पहुंचाया। मेरी ये आपके सामने गुफ्तगू रखने का मकसद ये है कि ये अल हिकमत फाउंडेशन को इलेक्शन के दिनों में ये काम नहीं करती, ये पूरे 5 साल या पिछले कई सालों से ये काम कर रही है। और अल हिकमत फाउंडेशन ये काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की तौफीक से, आप रजाकारान के तआवुन से और अपने डोनर्स की मामलत से कर रही है। मैं आप लोगों के तवसत से, मीडिया के दोस्तों के तवसत से अपने तमाम डोनर्स को, अपने तमाम जो लोग हैं हल्का एल सेवन के, उनको एक पैगाम देना चाहता हूं कि जिस तरह आप लोग अल हिकमत फाउंडेशन पे इतमाद करते हैं, उन्हें अमीन समझते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उनके लिए खर्च करते हैं, उनको देते हैं, आपको इतमाद है कि आप अपनी सरकार सदकात और अतियात अल हिकमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी के जिम्मेदारान के हवाले करते हैं, तो अल हिकमत फाउंडेशन को अगर आप अमीन समझते हैं, डॉक्टर याद अहमद मिर्जा उन्हें आप अमीन समझते हैं, सादिक समझते हैं, तो मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही अपील है कि आप लोग 25 जुलाई को अपने जमीर की आवाज़ पे लब्बैक कहिए। आप लोग अपने जमीर की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए तराजू पे गौर लगाइए ताकि
इस मुल्क के अंदर, इस आजाद खिते के अंदर वो क्यादत आ सके जो सादत भी हो, जो अमीन भी हो, जो आपकी अमानतों की रखवाली करने वाली भी हो और जो आपको डिलीवर करने वाली भी हो। मैं एक दफा फिर मेंबर शहर की सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे खालू आजी फारूक साहब तशरीफ रखते हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बाकी तमाम दोस्तों का शुक्रिया। आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये तय किया है, मेरा भी यही चाह रहा है कि मैं भी इस पुरजोश अंदाज में आपसे मुखातब हूँ, लेकिन वक्त और मुकर्ररीन का तकाजा है कि मैं आप और उनके बीच आए ना रहूँ। इसके बाद मैं अमीर जमात इस्लामी जिला भिंबर जनाब चौधरी फजील अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। चौधरी फजील अहमद इंतजार करें, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं उन्हें भी सीएस पे आने की दावत देता हूँ। वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। इंतजार करें गिट्टो डॉक्टर व्यास साहब, अमजद यूसुफ साहब, डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब और फरीद साहब और जितने मेरे दोस्त बैठे हुए हैं सबको मैं अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई मतलब तो नहीं, लेकिन मैं बस चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह 1996 में जमात इस्लामी इंजीनियर खालिद साहब की क्यादत में इलेक्शन लड़ा और जिस तरह उन्होंने पिंडी जुन्ना में कसबुमा में इनके जमहूर को तोड़ा, इस तरह का हमको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है जब तक हम इनके जबर का मुकाबला नहीं करेंगे, लोग हमारे साथ नहीं लगेंगे। आज उनके पास कई कमांडर तैयार हो रहे हैं, कई मुजाहिदीन तैयार हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कश्मीर की आज़ादी को मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं देखता हूँ कि ये कमांडर हमारे कमांडो को बदनाम कर रहे हैं, इसका भी हमें मुहासबा करना पड़ेगा और आज के मीर जाफर और मीर सादत का मुकाबला करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। शराफत के साथ आप इलेक्शन लड़ेंगे, लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। इसी के साथ मैं जाना चाहूंगा। न्याय की थोड़े अल्फाज सादा अंदाज दिल को मोह गया। इसके बाद मैं जनाब एक बात कहता चलूं कि जमात इस्लामी मुजाहिदों की जमात है, गाजियों की जमात है, सरफरोशों की जमात है। मैं एक ऐसे ही सरफरोश को, ऐसे ही एक मुजाहिद को अपने सामने ला रहा हूं, जिशान मुजाहिद। स्टेज पे आए और अपने ख्याल का इजहार करें। अपने 1996 में अब्दुल रशीद तराबी को असेंबली में भेजा और आपको पता है कि वो वाहिद लीडर रहे हैं कि जिन पे करप्शन का कोई इल्जाम नहीं आया और वर्ल्ड बैंक ने उसको तारीफी सर्टिफिकेट जारी किया कि पूरे आजाद कश्मीर में अगर दयानतदारी के साथ फंड्स तकसीम हुए हैं, वो खर्च हुए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रशीद तराबी का हिस्सा है।
आएगा जिस तरह युवक होंगे, किसी को ये नहीं पता होगा ये किसका बेटा है, ये किसकी बेटी है। यहाँ भी वो निजाम लाना चाहते हैं, उस निजाम के खिलाफ और खड़े हो जाओ और इस्लामी निजाम को गालिब करो, इस्लामी निजाम के लिए जद जहद करो। आपकी नमाजें आपके रोजे तभी कबूल होंगे जब अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का निजाम गालिब करने के लिए आप जद जहद करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर आपने सिर्फ ये रवैया दिखाया कि एक मस्जिद में बुत है उसको खुश करना है, बात जो मर्जी करे, अल्लाह जमीन के हर दर्रे पे है, उस दर्रे पे अल्लाह की हुकूमत होनी चाहिए, अल्लाह का निजाम गालिब होना चाहिए। उस निजाम के लिए उठो और जमात इस्लामी का साथ दो। हमारा निजाम कुरान है, हमारा मंशूर कुरान है, और मैं कहता हूँ कि झंडे को मैं ले जाऊँ या अल्लाह मरते टाइम उस झंडे का कलमा मुझे नसीब करे। मैं मौलाना मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ उठना चाहता हूँ। क्या ये नून लीग वाले कह सकते हैं कि हमें नवाज शरीफ के साथ उठाए? हम पीपल पार्टी वाले कह सकते हैं कि हमें जरदारी के साथ उठाए? पीटीआई कह सकती है कि हमें इमरान खान के साथ उठाए? मैं कहता हूँ इनमें से कोई ऐसी बात ऐसे वाला कहने वाला नहीं है। वो कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं, ये करप्ट लोग हैं, सिस्टम ठीक नहीं है। जब सिस्टम ठीक हो जाएगा हम भी आपके साथ आएंगे, ये बात नहीं है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अनु रिवायत करते हैं कि एक दफा एक बंदा मुझे पूछ रहा है कि तीन लोग कौन से हैं, तो फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरा भतीजा है, उसके पीछे खवातीन है। उसने कहा ये मेरी बेगा, ये मेरी भतीजे की बेबी है। उसने कहा छोटा बच्चा? उसने कहा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अनु है। और ये कहता है कि मेरा दीन पूरी दुनिया का खालिक होगा, पूरे रोम और कैसर के किसरा भी टूट जाएगा, वो भी मेरे मदद होगा। और जब हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि काश चौथा आदमी उस दिन मैंने इस्लाम कबूल किया होता तो चौथा आदमी मैं गिना जाता। उसने इस्लाम बाद में कबूल किया। मैं आपसे रंडार में रहने वाले लोग ये कहना चाहता हूँ, अकल आप ये बात न कहें कि काश मैं होता जमात इस्लामी का उस दिन साथ दिया होता तो तारीख में मेरा नाम होता, मुझे शर्मिंदगी ना होती अपने बच्चों के सामने अपने बेटियों के सामने कि मैंने कट निजाम का हिस्सा था, मैं कट निजाम के साथ चलता था, मैं कट निजाम का एक पैरोकार था, मैं कट निजाम के लिए मेरा दिल जहद करता था। आप इससे पालतर हो गए। आप अगर हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं और हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं, अल्लाह रसूल को मानने वाले ईमान वाले कहते हैं कि ये मेरी बरादरी का है। मैं कहता हूं कहां गई 25 साल से बरादरी? रीड फाउंडेशन ने 25 साल में 40,000 के तीन बच्चे जिला बिम्बर में पढ़ाए। तब ये बरादरी वाले किधर गए थे जब जमात इस्लामी के रीड फाउंडेशन के हवाले कर दिए थे? जब कोरोना आता है लोग घर में छुपे होते हैं, ये मजदूर ये दरिदार ये गरीब वाला ये रक्षे वाला ये इसके बच्चे बिलक बिलक के बच्ची की शादी होती है तो आयशे तो थोड़ी सी जब पास जाते हैं तब बरादरी कहां जाती है? बरादरी वाले क्यों नहीं कहते हैं कि हमारी बरादरी की बेटी है हम उसको शादी करेंगे? कोई यकीन होता है बरादरी वाले इसको पालेंगे? अगर किसी लॉकडाउन की वजह से किसी गरीब का चूल्हा बंद हुआ है तो बरादरी वाले वो चूल्हा जलाएंगे? आज बरादरी का जासा देके आपको हिरासत किया जा रहा है, बिल्कुल इनके हिरासत में आए जासर में आए। आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम के लिए जद्दोजहद करें और जमात इस्लामी का हिस्सा बने। जमात इस्लामी ही इस्लामी पाकिस्तान की खैरखा है और पैरोकार है। आखिरी बात कहना चाहता हूँ, अभी आपने देखा होगा सेनेट में एक बिल पास हुआ है जिसपे पीपल पार्टी नून लीग और पीटीआई ये एक खानदानी निजाम को धर्मपान करने के लिए उन्होंने जिना को दावत दे दी है। उन्होंने कहा और तुम तो खुली तरफ होनी चाहिए, वो जिससे दोस्ती करना चाहे उनको कोई पाबंदी ना हो, वो जिससे वो बाप के खिलाफ भी केस कर सकते हैं, वो भाई के खिलाफ भी केस कर सकते हैं, वो मियां के खिलाफ भी केस कर सकते हैं। आपके सामने ये मेरी सिलसिलाई बात रही है कि मीडिया गवाह है, वहां कोई नहीं बोला, वहां जमात इस्लामी का सेनेटर गुस्सा कैनो साहब खुल के मुखालफत की, मगर वहां के मुजाहिद एक था सेनेट में उसकी ना चली, मगर उसने आवाज अपने काल को ये
रसूल करीम अम्मा बाद फाउज़ुल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह कूनू मास्सादिकीन सदकल्लाहु लज़ीम। मैं कायदीन जमात और जमात सामे रुकुन जमात सामे कारकुन और जमात सामे मेंबर पंडाल में सारे साथियों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुख्तसर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि मुझे गुज़िश्ता 13 साल हो गए मेंबर में। मैं ये इलेक्शन ये तीसरा इलेक्शन मैं जमात सामे के साथ हूँ और देख रहा हूँ कि किस तरह लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं, किस तरह लोगों को टिकाया जा रहा है, किस तरह लोगों को फिसलाया जा रहा है। मगर मैंने आपके सामने एक कुरान की आयत तिलावत की है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। उन या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह कूनू मास्सादिकीन, एक मान वालो अल्लाह से डरा करो और सच्चे लोगों का साथ दो और सच्चे लोगों का हक लोगों के साथ चलो। मैं इस बात से इसलिए डर रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि मेंबर के अवाम और आजाद कश्मीर के अवाम कितने हक के साथ हैं, कितने हम सालों साल इमाम हुसैन के किस्से पेश करते हैं कि कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन के साथ जुल्म किया था, ज्यादती की थी। तो मैं इस मेंबर के अवाम को ये बात बताना चाहता हूं कि इमाम हुसैन मस्जिद नबी में इमामत करवा रहे थे, वो यजीद किसी काफिर का बेटा नहीं था, अमीर मौलिया रजी अल्लाह ताला अनु का बेटा था। इमाम हुसैन ने कहा था कि मुझे मेरी बहन करो, मुझे वोट दो। उसने कहा तुम्हारा निजाम सही नहीं है, मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा। उसने अपने 72 आदमी को शहीद कराया था। आपने आज तक अपनी जुबान तक नहीं खोली है। आप कहते हैं हम इमाम हुसैन के पैरोकार हैं के वारिस है, हम शहदाए के वारिस है, किस चीज के वारिस है। आप इन सियासी आप जमातों को देख रहे हैं जब लॉकडाउन लगा ये काम को क्या काम लगाए। अस्सलाम वालेकुम जनाबे वाला, आपको ये बताना मकसूद है कि हम लोग इस जुल्म जबर के निजाम के खिलाफ, जालिम ताकतों के खिलाफ, यहूद और नसारा के एजेंटों के खिलाफ इस मैदान अमल में है और अपने आप को इन जालिमों के खिलाफ लड़ने के लिए, इनका हर मैदान में मुकाबला करने के लिए अपने आप को पेश करते हैं। और तमाम अहले इलाका से अहले थाना की उम्मीदवार जो आवाम है उसे हम ये अपील करते हैं कि वो इस काम में हमारा साथ दे ताकि हम इन जालिमों के खिलाफ जो है इनके हर बुरे काम में, हर गलत काम में, हर करप्शन में इनका हाथ रोक सके और मेंबर के आवाम के लिए हम वो काम कर सके जो कि हमारी रिवायत है। जमात इस्लामी ने हर फील्ड में मेंबर के लोगों के लिए बेरा अमून और पूरे इलाके में के लिए हर सदा पे बहुत वो काम किए हैं जो किसी भी अपनी पार्टी ने किसी भी अपनी पार्टी ने से पहले नहीं किए। हमारी हर खिदमत काबिले फख्र है, लीग प्रोटेक्शन काबिले फख्र है। उसके अलावा ये पिछले दिनों में ये जो तो अभी भी कोरोना का मामला चल रहा है, जमात इस्लामी के कारकुनान हर वक्त हर जगह अवाम के साथ हैं, उनके दुख दर्द उनके साथ हैं। तो मैं आप सबका दोबारा शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत चाहूंगा। वस्सलाम। तो मैं इस मेंबर के अवाम को ये बात बताना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन मस्जिद नबी में इमामत करवा रहे थे, वो यजीद किसी काफिर का बेटा नहीं था, अमीर मौलिया रजी अल्लाह ताला अनु का बेटा था। इमाम हुसैन ने कहा था कि मुझे मेरी बहन करो, मुझे वोट दो। उसने कहा तुम्हारा निजाम सही नहीं है, मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा। उसने अपने 72 आदमी को शहीद कराया था। आपने आज तक अपनी जुबान तक नहीं
जब लॉकडाउन लगा ये कहा थे, जब कश्मीर में एक साल लोग नजर बंद किए गए थे, ये साधन किधर थे? आज सियासी जल से देखे, आज सियासी मन के देखे, हर अपने मफादात की सियासत के लिए ये जान तौर की मन लगा रहे हैं। और मकबूजा कश्मीर के लिए, उस मजलूम बहन के लिए, उस मजलूम बेटी के लिए, उस मजलूम बाप के लिए ये एक दिन नहीं निकले। आप आज कहते हैं ये कश्मीर के वारिस है, आज कहते हैं कि हम मेंबर की तकदीर बदलते हैं। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मेंबर की तकदीर अगर कोई बदले है वो जमात इस्लामी है, क्योंकि इस्लामी निजाम सिर्फ जमात इस्लामी के पास है। और कोई जमात नहीं है जो इस्लामी निजाम ला सकती है। इंकलाब अगर है वो हमारे पास इंकलाब है। मेरा रहनुमा कुरान है, मेरा मंशूर कुरान है, मेरा निजाम कुरान है। हम कुरान और सुन्नत को इस आजाद कश्मीर में, पूरे पाकिस्तान में नाफिज करना चाहते हैं। ये तब्दील सिर्फ कुरान और सुन्नत की वजह से आ सकती है, और किसी जरिए से तब्दीली नहीं आ सकती है। अगर आपको तब्दीली चाहिए, असल तब्दीली चाहिए, अगर आपको बदलाव चाहिए, आपको जुल्म और जाति का बर्बरियत का मजार को खत्म करना है, इस्लामी निजाम लागू करना होगा। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि हम किस किस्म के मुसलमान है? नमाज तो हम पढ़ते हैं, रोजा तो हम रखते हैं, हज भी करते हैं, आसान चीजें करते हैं। जब निजाम की बात आती है तो हम डर जाते हैं। ये शिर्क है। अगर आप किसी सियासी जमात के आदमी से, बड़े आदमी से डरते हैं, ये शिर्क है। अगर आपके कोई नफा नुकसान मेरे अल्लाह के हाथ में, इंसानों के हाथ में नहीं है, या आप तो अजम करे इस्लाम के लिए मर मिटे, आपको तारीख सुनहरे हल्कों में याद रखेगी। जो लोग इस्लाम के लिए किरदार अदा न करते हैं, उनको उनकी तारीखें मिट जाती है, उनका नामो निशान मिट जाता है। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप कहते हैं हम मुसलमान है, या इसका इतना बड़ा काम नहीं है। अगर जमात इस्लामी के अखबार के बाद 20 लाख रुपया हो तो हम वो डाला इतना खूबसूरत ला सकते हैं कि लोगों को जमीन पानी दी जाए। ये बहुत सारी बातें जो हैं जो मैंने कर दी थी, अमजीद साहब अमीर जिला डॉक्टर रहमान साहब करके चले गए, लेकिन मैं बात आपसे दोबारा शेयर करता हूँ। शायद मैंने क्या कहा था, उस वक्त आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैं दोबारा ये बात कर देता हूँ कि 10 दुकानें एक चौकीदार हमें रखना है, वो चौकीदार का शजरा नसर पूछते हैं, वो जहाँ काम करके आया वहाँ से पूछते हैं कि ये कोई चोरी को नहीं तो आता रहा, जासूस तो नहीं है 10 दुकानों के लिए। लेकिन जहाँ 1 अरब रुपये का बजट है, तो वहाँ कोई नहीं पूछता उसको कि किसको हम वोट दे रहे हैं, तो सामने सामने सबको पता है कि ये चोरी की खेती करते हैं, किसको नहीं पता। 350 लाख जमीन किसकी जमीन है? पहले चला था घोड़ा सदा वालू का, मकाल वालू का, अब लखपुर पीली गुंजा और कहाँ का मुझे पहुँच गया। ये 10 से 20 लाख जमीन थी, अभी तो हजारों के खिलाफ जमीन इनके पास है, ये कहाँ से आएंगे? मैंने एक बात की कि मैं दिल्ली में हॉस्पिटल चला रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अच्छी सी गाड़ी खरीद लें अपने बेटे के लिए, लेकिन इनके बेटों के पास एक बेटा दूसरा तीसरा 7, 8, 10 सबके पास बेटी किसी की गाड़ी कहाँ से आती है? आप लोगों का पैसा है। आप में से कोई मुझे ये कह सकता है कि वो टैक्स नहीं देता? आप सब लोग टैक्स देते हैं। घर में उन्होंने कहा जी कि हम दुआ करते हैं कि लोग कहते हैं गर्मी हो रही है, दुआ करें बारिश होने करते हैं, बारिश ना हो इसलिए कि हर घर में पानी जाता है, वो थोड़ी सी बारिश लोग घर में पानी जाता है। कौन सी तहमीरों तरक्की की है? पूरे का पूरा शहर गंदा है, नालियाँ अटी हुई पूरे शहर की, थोड़ी सी बारिश। अपना डॉक्टर अपने सरदार का जो उन्होंने शुरू किया हुआ था वही शुरू करेंगे, और याद है कि इसके बाद ऊपर ठंडा लग चुका है, सरदार के बाद इन शाह जियाफत का इतमान है उठा के जाइए। सच
सच पूछिए, ये अनुमान मुझे बुरा लगता है, सच पूछिए ये अनुमान मुझे बुरा लगता है, इस हल्के के लोगों को जुर्म सटे मुझे बुरा लगता है, इंसान मुझे बुरा लगता है। अगर आप तब्दीली जाना चाहते हैं जो उनके निजाम को बदल सकते हैं, ये जितना आपको लूटे हैं, ये जितना आपको घसीटे हैं, एक एक ही पक्षी में आप इंतकाम ले सकते हैं, सिर्फ एक पक्षी से आप इंतकाम ले सकते हैं, जबर होता है ना बोलती बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर साफ शिफाफ तरीके से इलेक्शन हो तो हो रहे हैं, अभी हर वोटर जो है वो अपना सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप इंतकाम ले सकते हो। मैं बात कर रहा था कि साढ़े 300 लाख जमीन के लिए स्पेशल फंड बनाई गई है, ये सर मैन रेट से शुरू होती है, पचोर साहब की जमीन के पास जाती है, जहाँ उन्हें 350 जमीन सर्वे वालों के चाहिए, उसके लिए बेटी साठ बन सकती है, लेकिन बिगर शहर में नालियाँ पुख्ता नहीं हो सकती, बिगर शहर में गलियाँ पुख्ता नहीं हो सकती, बिगर शहर सिर्फ सत्ता बावली। देखो जब इलेक्शन होते हैं तो मीटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि बरादरी का सरकर्ता जो है उसने कुछ ना कुछ लोगों से लेना होता है, मेंबर का मेंबर अले 7 या तीन खानदान कितने खानदान है जी? तीन खानदान है। एक कस्बों वाले हैं, एक चिल्ला वाले हैं और एक पिंडी छुटा गए, तीनों खानदानों ने बार बार इस हल्के पर हुकूमत की है, अहले सहमत छोटी रियासत का ये वाली रियासत रहे हैं, और एक जगह मैं तकरीर सुन रहा था एक्स मिनिस्टर साहब की, ये सारी की सारी राबता सखियाँ उन्होंने मुकम्मल कर दी है, सारे हर जगह पुल बन गए, सारे स्कूलों की बिल्डिंगें बन गई हैं, हर स्कूल की चार दीवारी है, और मैं कसम उठाकर कहता हूँ ये झूठ बोल रहे थे, कुरान में आता है या अय्युहल्लज़ीना जिन आमनु लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो बात तुम क्यों कहते हो जो करते नहीं हो, तब और तक़ूलून मा ला तफ़अलून, अल्लाह के नज़दीक नहायत ही बुरी चीज़ है जो तुम करते हो, कहते हो लेकिन करते नहीं हो। आप मैं रोड से चले जाए पिथौरवाड़ी, रोड सी रबता सड़क पक्की है, आप रसनातर चले गए रोड सी सड़क पक्की हो गई है, कोई सड़क पक्की जो 3 सालों में पहले बनाई थी 2 किलोमीटर वो सारी खत्म हो गई, रबता स्कूमा चले जाए बस रबता सड़कें पक्की है, कसरनाम कसपत रोड कस दौरा कोई सड़क पक्की नहीं है, कोई सड़क झूठ बोलते हैं ये लोग, और कई बेशुमार स्कूल हैं जिनकी इमारतें नहीं है, एक एक कमरे प्राइमरी स्कूल चलता है, बेशुमार स्कूल चार दीवारी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, और कहते हैं जी हमने शहर को बहुत बड़ी वाटर ग्रेटर वाटर स्कीम दी है, जब मौसम गर्मियों का होता है तो पानी पीने के लिए नहीं मिलता, अगर लोगों ने अपने वाटर पम्प घरों में ना लगाए हुए पानी से प्यासे ही मर जाएंगे, तो ये सारी की सारी स्कीमें उनकी इसलिए नहीं होती है वहाँ की फलाह बहबूद के लिए, ये सारी की सारी स्कीमें इसलिए होती है क्योंकि पैसा बटोरना होता है, अगर खजाने से 1 करोड़ रुपया निकलता है तो 25 लाख इनका 75 लाख इनकी तिजोरियों में जाता है, इनकी जेबों में जाता है, इनके बैंकों में जाता है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरी बीवी डॉक्टर है, हम तो 24 घंटे काम करते हैं, हमारे बच्चों के पास इतनी खूबसूरत गाड़ियाँ नहीं थी, देखो कि बच्चों के पास गाड़ियाँ ये कहाँ से आई हैं,
इतने पैसे 50-50, 60-70 लाख की गाड़ियों की बच्चों के पास है। जिनने वार्ता बढ़वाई हुई है रिसेंटली, जो उन्होंने वजीर आजम की आमद पर यह बात ऐलान किया था कि हमने जिमनेजियम बनाया है, पहली बारिश में जिमनेजियम के अंदर पानी चला गया। शर्म होनी चाहिए इनको, यह बात कहते हैं जो सड़कें लाइन को टूट गई है। मुबारक हो हमारे सीनियर वजीर साहब का, सीनियर वजीर साहब के उनकी 350 कनाल जमीन उसके लिए सड़क बन गई है, 350 कनाल जमीन के लिए सड़क बन गई है। लेकिन दिलबर शहर के वासियों, इलेक्शन मुहिम का ऐलान हो चुका है, जगह जगह पार्टियां चक्कर लगा रही हैं, बरादरियों की मीटिंगें हो रही हैं, कबीले की मीटिंगें हो रही हैं। जब 5 साल गुजर जाते हैं तो बरादरी वालों को बरादरी याद आती है, कबीले वालों को कबीले याद आते हैं। कभी किसी बरादरी वाले को यह याद नहीं आया कि उसके बरादरी के एक बच्चे यतीम हो गए, यह याद नहीं है। कोई खातून बेवा है, उसके घर की मदद किस तरह करनी है। उम्मीदवार असेंबली का खिताब सुन सके,